डीबी मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा हुआ है। बजरंग दल ने विरोध किया है और हंगामा किया है। बजरंग दल ने भी विजय महामंत्र का जाप किया। बजरंग दल की चेतावनी, डीबी मॉल में नमाज हुई तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बड़े स्तर पर विरोध होगा, बजरंग दल ने साफ कह दिया है। एक बार फिर से देश के एक और मॉल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े डीबी मॉल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ है और अब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और कह रहे हैं कि हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। यदि नमाज यहां पर पढ़ी गई है तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। विरोध जताया है नमाज पढ़ने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। बजरंग दल ने भी विजय महामंत्र का जाप किया इस दौरान, जैसे कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। ये INH एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप डीबी मॉल की देख पा रहे हैं भोपाल की। इसमें ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, इस वक्त वहां पे क्या चल रहा है और पूरा घटनाक्रम विस्तार से समझाइए। देखिए, बिल्कुल, आज राजधानी भोपाल के डीबी मॉल में नमाज पढ़ी गई थी। सार्वजनिक तौर पर ही नमाज पढ़ी गई थी। जो वहां पे काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने डीबी मॉल में जब नमाज पढ़ी है उसकी जानकारी बजरंग वालों को लगी। उसी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग बजरंग गौरव गुप्ता से संपर्क हमारा टूट गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है डीबी मॉल से, जहां पर नमाज पढ़ी गई है और उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश से भी आया था और देश के कई हिस्सों से इस तरह की जानकारियां मिली, जब मॉल में नमाज पढ़े जाने को लेकर खूब विवाद गहराया। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के डीबी मॉल का ये मामला है। अधिकारी है, नीचे भागा रहा भैया, एक नीचे ना लो, नहीं किसी को बुरा नीचे करके बात कर। ये नमाज चुप चुप के क्यों पढ़ना है? कितना बोला अब तक क्या पढ़े? चलो, जब एरिया है स्पेस है। हां, स्पेस है तो स्पेस हमारा भी भैया बैठे हो सब लोग। चलो बैठो, हमारा भिल्ला आगे बता भैया, नहीं बैठो भैया, हम बता रहे हैं भिल्ला बैठो बैठो, मैं भिल्ला आगे बता दूं, बैठो बैठो। ये तरफ चलो, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है, ये जो विरोध था ये खत्म हुआ या नहीं हुआ, वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची या नहीं पहुंची? देखिए, बिल्कुल, डीबी मॉल पर जब ये हंगामा हुआ था उसकी कुछ रिकॉर्डिंग जब नमाज हुई थी तो नमाज की कुछ रिकॉर्डिंग बजरंग के कार्यकर्ताओं के पास पहुंची थी, जिसके बाद बजरंग के कार्यकर्ता भाई तारात्मर डीबी मॉल पहुंचे और वहां पे जमकर हंगामा किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि नमाज पढ़ने के लिए डीबी मॉल जो है वो सही जगह नहीं है, एक सार्वजनिक स्थल है और वहां पे इस तरह से नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, और अगर वहां पे नमाज पढ़ी जाएगी तो उनकी तरफ से भी हनुमान चालीसा का पाठ वहां पे किया जाएगा और वहां पे मंत्रों का जाप भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। वहां के जो स्टाफ थे, वहां के लोगों से काफी ज्यादा विवाद भी बजरंग के कार्यकर्ताओं का हुआ और उसके बाद जब मामला पूरा शांत हुआ उसके पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंचे थे। अभी फिलहाल मामला पूरी तरह ठंडा वहां पर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस मामले के बाद बजरंग दल ने काफी तलकर इस मुद्दे को लेकर वहां पे विरोध प्रदर्शन किया और मंत्रों का जाप किया। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर डीबी मॉल में इस तरह से अगर सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़वाई जाएगी तो उनकी तरफ से भी भजन हनुमान चालीसा का वहां पर पाठ किया जाएगा। कह सकते हैं कि अब स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है और दोबारा इसके बिगड़ने की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि इसे पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में ले लिया गया, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इस मामले पर देश में कई जगह बहुत हंगामा हुआ है। देखिए, बिल्कुल, यहाँ पे अभी जो स्थिति है वो अभी स्थिर है, लेकिन विरोध प्रदर्शन आज जिस तरीके से डीबी मॉल पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था, ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी बजरंग दल की तरफ से इस मामले को लेकर और हंगामा किया जाए, क्योंकि ये जो वीडियो है अभी सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गए हैं। INH ने भी अपनी ऐसी तस्वीरों में बताया कि किस तरीके से आज बजरंग का ये विरोध डीबी मॉल में देखने को मिला है। जब ये विरोध वहां पर हो रहा था तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां पर इकट्ठा होने लगे थे, हालांकि वक्त रहते वहां पे स्थिति को संभाल लिया गया, क्योंकि डीबी मॉल की सिक्योरिटी भी वहां पर पहुंच गई थी तो उस स्थिति को संभाल लिया गया। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि अभी ये मामला उठा है तो हो सकता है कि आगे चलकर इस मामले को लेकर और भी विरोध देखने को मिले। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।